हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप से बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं। एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर आपका ये है। आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ये किसका स्ट्रक्चर? आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आपका एम्ब्रियो सैक का। ओके, ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है तो आपका ये भी एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, ये दोनों ही एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। बट इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है वो तो है नॉन फर्टिलाइज्ड, मतलब अभी तक इसमें कोई फर्टिलाइजर की प्रोसेस नहीं हुई है। और ये जो आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है, जिसके अंदर आपकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब यह जो आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है वो तैयार है कि वो आगे चल करके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स करे। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या प्रोसेस हुई, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजर। तो देखिए, आप सबको मैं बता दूं कि जो आपके पॉलन्स होते हैं, जो कि मेल गैमेट्स होते हैं, वही क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब डेवलप करेंगे। और ये आपको दिख रहा है फलन, सॉरी फिलीफॉर्म अपरटस, उसके थ्रू क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। कहाँ पर? सिनेरिसिट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर क्या बना के दिखाता हूँ, पॉलन ट्यूब, इसको मैं पढ़ दूँ, आपसे यूँ पता होगा कि इस एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर ही है। ये क्या है आपकी, ये आ गई पॉलन ट्यूब। ये आपकी पॉलन ट्यूब है, जो कि क्या है, यहाँ से आपके मेल गैमेट्स आएंगे। ठीक है, ये आपके दो मेल गैमेट्स आते हैं, हवा, आपसे यूँ पता होगा। अब ये क्या करेंगे, आपके ये दो मेल गैमेट्स हैं, और एक मेल गैमेट्स तो आपका जाएगा किसके पास, एग सेल के पास। ठीक है, फर्स्टली क्या करेंगे, एक गैमेट्स को एग सेल के साथ फर्टिलाइज कराएंगे। ये आपका क्या है, फिलीफॉर्म अपरटस है। ये आपका मेन रोल प्ले करती है, किसको, ये गाइड करती है पॉलन्स को कि किसके अंदर जाए, सिनेरिसिट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। और सिनेरिसिट्स से होकर के सीधे कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं आपके सीधे एग सेल के पास। और एग सेल के पास सीधे जाएंगे, यहाँ पर क्या होगी, फ्यूजन होगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिंगेमी। क्या बोलते हैं? सिंगेमी। व्हेन एग सेल फर्टिलाइज विद गैमेट एंड रिजल्ट्स इनटू जायगोट। ठीक है, अब जब कोई एग सेल है वो गैमेट से क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और ये क्या करेगा, फॉर्म करेगा आपका एक जायगोट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या है, सिनेरिसिट्स हैं आजू बाजू जो है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एग सेल है, जो कि फर्टिलाइज होकर क्या बना दिया, आपका जायगोट। अब देखिए, आपके मन में ये होगा कि सिनेरिसिट्स का क्या होगा, जबकि सिनेरिसिट्स है ना, ये जो साइड लग रही है सिनेरिसिट्स दो ही होती है, ये क्या कर जाएंगी, डिजनरेट कर जाएंगी, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये आपका क्या बन गया, एक जायगोट बन गया। अब ठीक है, आपका एक गैमेट का तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक, अब जो आपका दूसरा गैमेट है वो क्या करेगा, इसके पास जाएगा पोलर न्यूक्लिया के पास। अब ये क्या है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब एक न्यूक्लियस हैप्लॉइड किसके पास होगा, गैमेट के पास होगा। अब ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा। अब ये क्या है, थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, तो जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों क्यों इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे आपके थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। और क्या फॉर्मेशन करेंगे आपके बाद में, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, आपका ये जो गैमेट्स है वो इसके पास जाएगा और सीधे ये क्या बना लेंगे, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, आपको यह दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, आपकी दो क्या थी, पोलर न्यूक्लियाई थी। पोलर न्यूक्लियाई के पास जाकर के आपका एक गैमेट गया और सीधे ट्रिपल फ्यूजन किया, और ट्रिपल फ्यूजन करने के बाद क्या बनाया आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा सरल है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आपके यहाँ पर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों नाम दिया गया, ऐसे सीधे फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं नाम दिया गया, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि आपका एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो यहाँ पर हुआ, एग के पास एग सेल प्लस गैमेट्स इज इक्वल टू जायगोट बनाया। अब जब जायगोट यहाँ पर बनाया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर करके, और यहाँ पर क्या आया, एक गैमेट यहाँ पर आया पोलर न्यूक्लियस के पास, ट्रिपल फ्यूजन किया, एक क्या बनाया आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई। कितनी फर्टिलाइजेशन हुई, दो फर्टिलाइजेशन, किस समय पर, एक ही समय पर, तो उसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब एक समय पर आपके दो दो फर्टिलाइजेशन होती है, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
आई होप आपको इसके अंदर बिल्कुल डाउट नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सरल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था ये, ठीक है। इसको समझने में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या है अब ये, क्या है आपका एम एस सेट है। अब ये पूरा क्या करा है, एक और बता रहा हूँ, ठीक है। देखो दो गैमेट्स थे, एक गैमेट एक्स सेल के पास किया, एक्स सेल ने क्या कीजिए फर्टिलाइजेशन की, फ्यूजन की। फ्यूजन करने के बाद क्या बनाया आपका, जैगोट बना दिया। अब दूसरा गैमेट भी है, दूसरा गैमेट जाएगा पूरा न्यूक्लिया के पास, पूरा न्यूक्लिया के पास जाकर के फर्टिलाइजेशन करेगा, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बनाया आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अभी आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस यहाँ बना और यहाँ पर क्या बना, जैगोट बना। अब जो आपके ये सिनर्जेट्स थे वो जाएंगे डिजर्नेट, और यहाँ पर आपके जो तीन एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं ये देखो डिजर्नेटिंग एंटीपोडल सेल्स, ये भी आपके बाद में क्या बनाएंगे, डिजर्नेट कर जाएंगे, क्योंकि इनका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ठीक है। ज्यादा रोल नहीं है आपका, जो रोल था वो था आपका क्या, किसका, प्राइमरी न्यूक्लियस का, सॉरी पोलर न्यूक्लियस का, और यहाँ पर एक एग सेल का। इनका काम था जो कि अपना काम कर लिया इन्होंने, इसने बना लिया आपका जायगोट, इसने बना लिया आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये क्या है, कंप्लीट हो चुका है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कैसे बोलते हैं, आपने सुना होगा सेंट्रल सेल, ठीक है। इन सबको बनाने के बाद जो ये बीच में बनता है ये वाला, जैसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। अब इसने ही फर्टिलाइजेशन की होगी और इसने बना लिया आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। तो ये क्या है, आपके बाद में एंटीपोडाल्स और ये सिनर्जेट्स हैं वो क्या कर जाएंगे, डिजर्नेट कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। और ठीक है, आपका जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है वो आगे चल के बनाएगा आपका एम्ब्रियो, और ये जो सॉरी ये बनाएगा आपका ऐसे बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो आपका ये पूरा न्यूक्लियस है ना ये बनाएगा आपका एम्ब्रियो, ठीक है, सॉरी जायगोट, ये जहाँ पर जायगोट बनाएगा एम्ब्रियो और ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको बस यहाँ तक इतना समझना है कि दो गैमेट्स थे, दो गैमेट्स फर्टिलाइज किए, एक्स सेल के पास फर्टिलाइज किया जायगोट बना, पूरे न्यूक्लियस के पास फर्टिलाइज किया क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब जो अगली वीडियो बात करेंगे एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो।